5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। उपसभापति महोदय, भारत सरकार ने हमारे महान पड़ोसी चीन को एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजा है। वह शिष्टमंडल भारतीयों का चीन के लोगों के प्रति अभिनंदन और सद्भावना लेकर गया है। चीन की सरकार और चीन के लोगों ने उसका जो हार्दिक स्वागत किया है, उसके लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मुझे दुख है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार की जातीय नीति अभी भी जारी है और उसके कारण गंभीर परिस्थिति पैदा हुई है। भारतीय इस नीति से बहुत चिंतित हैं, क्योंकि भारतीय उद्भव के अनेक लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, किंतु यह प्रश्न अब केवल दक्षिणी अफ्रीका के हिंदुस्तान वासियों का ही प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि उसका महत्व कहीं अधिक बड़ा और विस्तृत हो गया है। यह जातिगत आधिपत्य और जातिगत असहिष्णुता का प्रश्न है। अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों से भी अधिक अब यह अफ्रीका के रहने वालों के भविष्य का प्रश्न है। इस प्रश्न और ऐसे ही अन्य प्रश्नों के निपटारे में विलंब करना समस्त मानव जाति के लिए अच्छा नहीं है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि अफ्रीका में वहाँ के आदिवासियों और वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों के बीच मैत्री भाव बढ़ रहा है। हमारी इच्छा अफ्रीका के लोगों की उन्नति में लेस मात्र हस्तक्षेप करने की नहीं है, बल्कि जहाँ तक हो सके हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। मुझे यह भी खेद है कि श्रीलंका में बहुत दिनों से रहने वाले अनेक भारतीय मत देने के अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। वे श्रीलंका के वैसे ही नागरिक होने का दावा करते हैं जैसे कि उस देश के अन्य निवासी करते हैं। श्रीलंका के साथ हमारा संबंध सहस्त्रों वर्षों से रहता आया है और हमारे संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हमने श्रीलंका की स्वतंत्रता का स्वागत किया था और हम यह आशा करते थे कि उसके लोग स्वतंत्र जाति के रूप में हर प्रकार की प्रगति करेंगे और वहाँ के नागरिकों की एक बड़ी संख्या को उनके अपने नैसर्गिक स्वत्वों से वंचित कर देने से सच्ची प्रगति नहीं हो सकती। उससे तो बहुतेरे जटिल प्रश्न और उलझने ही पैदा हो सकती हैं, जैसे कि हो भी गई हैं। पिछले अनेक वर्षों से हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की कमी रही है और अन्न बड़ी मात्रा में बाहर से लाना पड़ा है। इस काम में संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें बड़ी सहायता मिली है और उस महान देश ने जो उदारतापूर्ण सहायता की है, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। हाल के इतिहास में आज पहले पहल चावल को छोड़कर और सब अन्नों का हमारे पास बड़ा भंडार है और हम एक बड़ा भंडार बना रहे हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हमें सहायता प्राप्त हो सकेगी। इस बात का तो हमें स्वागत करना चाहिए, किंतु देश के बड़े भागों में वर्षा ना होने से यहाँ के लोगों के लिए कठिन समस्या पैदा हो गई है। लगातार 5 सालों तक रॉयल सीमा में अनावृष्टि का कष्ट सहना पड़ा है और वहाँ आज पानी की आवश्यकता है।
उपसभापति महोदय, योजनाएं हाथ में ली गई हैं जिनके द्वारा लोगों को काम मिल रहा है और सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं, जहां आवश्यक है वहां मुफ्त खाना भी दिया जा रहा है। विदेशों से आए हुए अन्न की कीमत अधिक होने के कारण अन्न का दाम चढ़ गया है। सरकार की ओर से घाटा सहते हुए सस्ता अन्न बेचकर जो सहायता की जाती थी उसे कम कर देने से भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, और जहां नाप तोल कर अन्न बांटा जाता था वहां लोगों का कष्ट कुछ बढ़ा है और कुछ असंतोष पैदा हुआ है। वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आने से इसका प्रभाव कुछ कम हो गया है। अन्न संबंधी सहायता कम कर दिए जाने के कारण कई राज्यों की सरकारों ने अन्न आयात करने की अपनी आवश्यकता का वास्तविकता की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक ठीक अनुमान लगाया है, और इससे जो अन्न की मांग राज्यों से आया करती थी वह कुछ कम हो गई है और फलतः उनका आयात कम हो जाएगा। यह आज की स्थिति में और आगे के लिए भी अवश्य ही लाभदायक है। जो राशि अन्न संबंधी सहायता ना देने से बची है वह छोटी मोटी आवश्यक योजनाओं में लगा दी जाएगी, जिनसे आगे अन्न की उत्पत्ति बढ़ेगी और इस तरह हमें अपनी खाद्य समस्या हल करने में सहायता मिलेगी। हमारी सरकार इन सब बातों पर बहुत ध्यान से विचार कर रही है। उसे तात्कालिक और भविष्य के लाभ को तुलनात्मक दृष्टि से देखना है, साथ ही वह इस बात के लिए भी चिंतित है कि लोगों को कोई कष्ट ना हो और उससे जो कुछ हो सकेगा वह इस विपत्ति को टालने के लिए करेगी। योजना आयोग अपनी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे रहा है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ी गई है, वह है देश भर में 55 सर्वोन्नत योजनाओं का प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राविधिक सहयोग योजना द्वारा दी गई सहायता से ही यह संभव हो सका है। इस सर्वोन्नत योजना का प्रयोजन न केवल खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना ही है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक यह है कि सब लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा किया जाए। आशा की जाती है कि यह योजना उन्नति करेगी और भारत का एक बड़ा भूभाग इसके अंतर्गत आ जाएगा, परंतु यह तभी हो सकता है जब इसे जनता का पूरा सहयोग मिले। मेरा हार्दिक विश्वास है कि इस बात में भी, जैसे कि योजना आयोग के और दूसरे प्रस्तावों को पूरा करने में मिला है, जनता का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कृषि द्वारा उत्पादन के मिले जुले कार्यक्रम में संतोषप्रद प्रगति हुई है। 1947-48 की तुलना में जब पटसन का उत्पादन 60 लाख गांठ था, 1951-52 में उत्पादन बढ़कर 46 लाख गांठ हो गया है। इन्हीं दिनों रुई का उत्पादन भी 24 लाख गांठ से बढ़कर 33 लाख गांठ हो गया है। यद्यपि कुछ प्रदेशों में सूखा पड़ जाने से इस बढ़ती से कोई लाभ नहीं पहुंचा है।